नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 8 मार्च 2021 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, मार्केट एनालिसिस करूँगा और स्टॉक एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और बहुत सारा डाटा एनालिसिस करूँगा। तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन दिखाऊंगा और बाइंग्स कुछ स्टॉक्स का पोजिशनल लेवल्स दिखाऊंगा और निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स और ऑप्शन का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा मेरा बाई सेल एक्सेल शीट से। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और बेनिफिशियल रहेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजी है, सेटअप है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं है मतलब जो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी नहीं है वो आप लोग चैनल पेज पे आकर सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जा सकता है। और एंजल वॉकिंग आस्था डेट एलिस ब्लू स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। तो देखिए, मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, तो देखिए, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। निफ्टी 14938 में अगले दिन क्लोजिंग दिया है। अगले दिन जो उसके पिछले दिन जो 142 पॉइंट का मतलब जो क्लोजिंग हुआ था उसका 142 पॉइंट का नीचे ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रिवर्सल मतलब एक बियरिश कैंडल, रिवर्सल नहीं एक बियरिश कैंडल होना है, ठीक है। तो इधर से इसका एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है, लेकिन अपर विक थोड़ा सा लंबा है, तो मतलब ऊपर से बाइंग प्रेशर है, ठीक है, सॉरी ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, RSI इसका देखता है, RSI 50 का थोड़ा सा ऊपर है, 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मतलब इसका थोड़ा सा ट्रेंड वीक है। तो 60 के ऊपर जाएगा तो इसका ट्रेंड अपसाइड में रहेगा, ठीक है। और इधर से इसका जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये नीचे का ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है और अपसाइड में ट्रेंड लाइन अभी तक अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। और इसका ऊपर का जो सप्लाई जोन है और इधर से जो पिचफोर्क का जो है तो ये मिडिल लाइन का ऊपर ट्रेड कर रहा है और इधर से इस जोन पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो क्रॉस ये जो लाइन है और इसका जो क्रॉस करेगा 15,196 इसका ऊपर ये और भी ऊपर इधर दूर तक जा सकता है। अच्छा, इसका जो सप्लाई जोन है ऊपर दिख रहा है तो 15,162 से 15,235, ठीक है। इसका ऊपर का जो सप्लाई जोन दिखेगा वो है 15,375 से 15,431। अच्छा, और जो नीचे का जो डिमांड जोन है वो है 14,984 से 14,895 और इधर से और भी जो डिमांड जोन है 14,857 से 14,750 14,647 से 570, सब नीचे का लेवल्स मतलब नीचे का सप्लाई जोन मतलब ये सप्लाई डिमांड जोन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, इसका जो नीचे का जो सपोर्ट है वो है 14,911 में, इसका नीचे जो है 14,862, इसके बाद 14,836, ठीक है। इसका नीचे का जो है 14,808, इसके बाद 14,787, 14,766, 14,766 का 14,745, 14,719, 14,719 का नीचे 14,693, 14,674, 14,652, 14,638, 14,631, 14,628, ये सब नीचे का लेवल्स होगा। और अपसाइड में इसका जो है 14,950 में रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 14,977, 15,000 के ऊपर 15,023 के ऊपर 15,041, 15,041 के ऊपर 15,061।
पंद्रह हज़ार तिरसठ का ऊपर जो 15,092 इसका ऊपर 15,104 15,104 के ऊपर 15,122 15,140 के ऊपर 15,154 15,205 ठीक है 15,205 के ऊपर आप लोग ये सब नोट कर सकते हैं, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 15,219 इसके ऊपर 15,258 15,287 15,287 के ऊपर 15,341 15,369 उसका ऊपर का जो लेवल है 15,431 ठीक है, इसके ऊपर और भी लेवल है 15,445 15,486 15,548 ये सब अपसाइड का लेवल है ठीक है। अच्छा मार्केट में मेरा बुलिस थोड़ा सा मेरा व्यू जो है वो बुलिस है ठीक है, वो क्यों है वो बाद में बताऊँगा। अच्छा इसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो है ये इसका जो RSI का पोजीशन है वो मतलब नहीं दिखाता हूँ, इसका माफी क्यों होगा 50 के आसपास ही होगा या 50 के थोड़ा सा नीचे हो सकता है, निफ्टी जैसा ही निफ्टी के साथ ही ऑलमोस्ट चलता है। इसका पहले इसका RSI का पोजीशन देख लेते हैं, इसका RSI का पोजीशन जो है 50-52 के ऊपर है ठीक है। अच्छा इसका भी हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है ठीक है, इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलता है, आप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनता है, थोड़ा सा हेमा जैसा कैंडल ही बना है ठीक है। अच्छा इसका जो अपसाइड में जो सप्लाई जोन है 35,970 से 34,444 34,444 और इधर से इसका अपसाइड में जो जोन है यह है 37,496 से 37,767 ठीक है। अच्छा नीचे का जो सपोर्ट जोन है मतलब डिमांड जोन है वो है 34,000 से 34,550 इसका नीचे का जो लेवल है 32,800 से 32,400 ठीक है। अच्छा इसका सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, जिधर क्लोज दिया इसका नीचे है 35,169 इसका नीचे 35,047 34,893 के नीचे 34,745 34,745 के नीचे 34,703 इसका नीचे 34,594 34,446 इसका नीचे 34,229 34,229 के नीचे 33,951 33,871 33,723 ये सब नीचे का लेवल हो सकता है। अप साइड में जो लेवल है 35,254 इसका ऊपर 35,339 इसका ऊपर 35,445 इसका ऊपर 35,614 इसका ऊपर 35,859 इसका ऊपर का जो लेवल है वो है 35,936 ऑलमोस्ट। अच्छा 36,000 का ऊपर का जो लेवल है 36,000 ऊपर का जो लेवल है 34,374 653 37,029 ये सब अपसाइड का लेवल है ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी इधर अपसाइड में व्यू रहेगा ठीक है। अच्छा अभी जो बता रहा था तो वो है तो SGX निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। SGX निफ्टी देखिए इधर से ये रिवर्सल ट्रेंड दिया है, इधर से नीचे गिरा था इसके बाद ये फिर से एक रिवर्सल ट्रेंड दिया है ठीक है, और 34,437 में इसका सपोर्ट है, इसका नीचे 14,820 14,653 14,441 और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी क्रॉस किया है 15,054 का 15,054 का ऊपर ये जो ज़्यादा जा सकता है 15,099 इसके ऊपर 15,431 ठीक है। और डोजोंस देखिए ये जो गिरा था 30,700 का आसपास ठीक है 30,700 का आसपास ये जो आप लोग इस कैंडल को देखिए 30,547 तक गिरा था, इसके बाद ये स्ट्रांगली ये मतलब रिकवरी दिया है 31,134 इसका ऊपर ये ऑलमोस्ट 32,580 हाई लगा था अभी 31,496 और इधर से इसका अपसाइड में जो है 31,556 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, इसका ऊपर जो है 31,709 के ऊपर 31,000
मतलब 31,995, ठीक है। और नेस्डक को देख लेते हैं, नेस्डक भी गिरा था लेकिन रिकवरी दिया है, तो इसी का वजह से ग्लोबल क्यूज़ का वजह से ये निफ्टी का अपसाइड में आया। निफ्टी एक्चुअली बुलिश ट्रेंड में है लेकिन इसका ग्लोबल क्यूज़ का वजह से मतलब अमेरिकन मार्केट नीचे गिर रहा था, तो इसीलिए नीचे देख रहा था। अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा रिकवरी देने से ही निफ्टी अपसाइड में जाएगा, और जो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो 500-600 पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन इसका फिलहाल फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म निफ्टी बैंक निफ्टी का अपसाइड में मोमेंटम जारी रखने का चांसेस है। अच्छा, और इसके बाद 12,569, ये देखिए नैसडक 12,569, ठीक है, और 12,207 में इसका सपोर्ट है, 12,269 में भी, 12,269 में भी सपोर्ट है, इसके ऊपर 12,854, 13,054, ठीक है, इसके ऊपर 13,253, 13,501, ये सब लेवल्स हो सकता है। इसलिए मैंने बोल रहा था कि इसका मेरा व्यू थोड़ा सा बियरिंग बुलिश है कि क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड मैंने देखा है कि अपसाइड में इसका ट्रेंड मोमेंटम अच्छा है, लेकिन जब भी अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा गिर रहा था वो थोड़ा सा नीचे आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी करते ही मार्केट ऊपर जा रहा है, भाग रहा है, तो इसीलिए मेरा बुलिश व्यू रहता है। अच्छा, ये PCR रेशियो ऑप्शन चेन का निफ्टी का जो PCR रेशियो है तो ये 0.65 है, ठीक है, और 15,100 में इसका रेजिस्टेंस है, 14,900 में सपोर्ट है, लॉन्ग पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप, और पुट का आई कॉल का आई भी थोड़ा सा गिर गया है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन चेन थोड़ा सा मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है थोड़ा सा रिकवरी करने का, लेकिन इसका जो जब थोड़ा सा और भी नीचे आके फिर से ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिखेगा, क्योंकि इसका PCR रेशियो फिर से ये मतलब नीचे का थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ जाएगा। अभी 0.65 आया है तो थोड़ा सा 55-57 मतलब 50 के आसपास आएगा तो ये फिर से ऊपर भागेगा, नहीं तो अपसाइड में इधर से ही जा सकता है। अच्छा, इसके बाद बैंक निफ्टी को देखता है, थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं पॉज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये बैंक निफ्टी का 0.59 हो गया है PCR रेशियो, और 35,500 इसका रेजिस्टेंस है, 35,000 में सपोर्ट है, और लॉन्ग कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड सॉरी पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, PCR रेशियो सेम ही है ऑलमोस्ट, सॉरी आई भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इधर भी डाउन ट्रेंड देने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ऑप्शन चेन, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नहीं तो ये अपसाइड में इधर से ही अपसाइड में जाने का प्रोबेबिलिटी देख बन सकता है। अच्छा, और भी कुछ दिखाता हूँ, और भी कुछ डाटा एनालिसिस करता हूँ। देखिए, इधर से जो PCR से आप लोग देख रहे हैं निफ्टी का, ये 15,000 से 15,219 एक रेंज बना है, 15,000 में इसका और 15,219 इसका दोनों रेजिस्टेंस बना है, 15,000 का रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस बना है, 15,000 2,200 रेजिस्टेंस।